हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि स्टोरी वीरप्पन की है। और वीरप्पन की जो लास्ट नाइट थी, जिस नाइट उसका इनकाउंटर हुआ, उस नाइट की स्टोरी है, उस पर बेस ये वीडियो है। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे, वहाँ पे फॉलो करना ना भूलिए। तो पहले वीडियो देखते हैं, बातें उसके बाद में कर लेंगे। लेट स्टार्ट। तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले से कोई 12 किलोमीटर दूर पड़ी गांव में आज की ये रात बिल्कुल घुप अंधेरी रात है। अमावस गुजरे अभी 4 ही दिन तो हुए हैं। इस घनी काली रात के अंधेरे में गन्नों से लदा ट्रक आता है और इस गांव के एक छोटे से स्कूल के बाहर सड़क किनारे खड़ा हो जाता है। वीरप्पन को पकड़ने की इतनी कोशिश, इसके पीछे पीछे बड़ी लॉरी भी आती है और सड़क की दूसरी तरफ जाकर रुक जाती है। इन दोनों ट्रक्स के पीछे एक सफेद रंग की मारुति ओमनी वैन भी आ रही है जो सीधा निकल जाती है, लेकिन स्कूल से 3 किलोमीटर दूर जाकर रुक जाती है। इंडिया में ऐसा कोई इंसान हो उसने वीरप्पन के बारे में नहीं सुना। कुछ मिनट बाद काले और हरे रंग के कपड़े पहने 6 हथियारबंद आदमी इस स्कूल के बाहर प्रकट होते हैं और अपनी AK-47 राइफल्स की नलियां सड़क के ऊपर साधते हुए इस स्कूल की छत पर अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। इस घनघोर काली रात में काले कपड़े पहने 6 आदमी कोई सिविलियंस या अपराधी नहीं है, बल्कि ये तमिलनाडु एसटीएफ के क्रैक कमांडोज हैं। गन्नों से लदा वो ट्रक एसटीएफ की अंडरकवर गाड़ी है जिसका कोड नेम है स्वीट बॉक्स। इसके सामने खड़ा बड़े वाला ट्रक भी एसटीएफ का ही है और इसके अंदर एसटीएफ कमांडोज रेत की बोरियों के पीछे छिपकर बैठे हुए हैं। इस ट्रक को नाम दिया गया है मोबाइल बंकर। स्कूल से 3 किलोमीटर दूर खड़ी वो सिविलियन वैन भी एसटीएफ की ही है जिसके अंदर एसटीएफ का एक डीएसपी अपनी टीम के साथ स्टैंड बाई मोड पर बैठा हुआ है। अभी 1 दिन पहले ही एसटीएफ के चीफ कमिश्नर के विजय कुमार और उनके साथी एसपी एनके संतमराई कन्नन ने इस लोकेशन का मुआयना किया था और आज रात एक बार फिर विजय कुमार इस ट्रैप जोन का निरीक्षण कर रहे हैं और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना भी। आज की रात विजय कुमार की जगह यदि कोई नीरा नास्तिक भी होता तो वो भी अपने दोनों हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना कर रहा होता। अक्टूबर की ये घनघोर काली रात थी ही कुछ ऐसी। मातृभूमि सीजन 2। नमस्कार, बहुत ही जबरदस्त। उसे मुनिस्वामी वीरप्पन गुंडर, जिसको ये देश सिर्फ वीरप्पन के नाम से जानता है। किसी के लिए हीरो था तो किसी के लिए विलन, किसी के लिए डकैत तो किसी के लिए तस्कर, तो किसी के लिए रॉबिनहुड। वीरप्पन के ऊपर मतभेद और बिल्कुल अलग अलग राय रखने वाले लोगों में भी एक बात पर सहमति जरूर है कि वो पूरे 2 दशकों तक दक्षिण भारत में आतंक का पर्याय बना रहा था। वीरप्पन जिसके ऊपर 184 लोगों की हत्या करने का आरोप था, 184 लोग जिसमें आधे से ज्यादा पुलिस वाले और फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे। हत्या के अलावा वीरप्पन ने अपने जीवन काल में 500 से ज्यादा हाथियों का शिकार किया, 16 करोड़ रुपए मूल्य के गजदांत और 65,000 किलोग्राम चंदन की लकड़ी तो उनका सर काट के उन्होंने चंदन जिसकी कीमत 143 करोड़ रुपए बताई जाती है। वीरप्पन जिसको पकड़ने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों ने 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर डाले। वीरप्पन जिसके बारे में ये कहा जाता था कि पुलिस उसको उसी दिन हथकड़ी पहना सकती है जिस दिन वो खुद सामने से आकर पुलिस के सामने सरेंडर कर देगा। वीरप्पन जो अपने 36 साल के आपराधिक जीवन में सैकड़ों बार पुलिस की हथेली के ठीक बीचों बीच से कुछ इस तरह बच निकला जैसे कि बंद मुट्ठी में से रेत निकल जाता है। वीरप्पन जिसने 3 राज्यों की पुलिस और सरकारों को दिन में तारे दिखा दिए, नाकों चने चबवा दिए, उस वीरप्पन को आखिर कैसे पकड़ा गया था? उसके जीवन की उस आखिरी रात आखिर क्या क्या हुआ था?
चाय की दुकान पर बैठा एक आम सा आदमी चाय की चुस्कियां लेते लेते लगातार अपने आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर नीचे देखे जा रहा है। हाथों में अखबार लिए इस आदमी का ध्यान अखबार को छोड़ अपने आसपास की हर चीज पर है कि तभी इसके कानों में एक आवाज पड़ती है, भाई साहब ये बेंच खाली पड़ा है क्या? पीछे देख रहा है ये आदमी, जैसे ही आगे की तरफ मुंह घुमाता है तो इसके सामने लाल कमीज पहने एक आदमी खड़ा होता है। हाँ हाँ खाली है, बैठ जाओ, अखबार वाला ये आदमी उत्तर देता है। तो लाल कमीज पहने वो आदमी सामने बेंच पर बैठते हुए अपने लिए एक चाय ऑर्डर कर देता है। कुछ मिनट बाद चाय आ जाती है और ये आदमी चाय पीते हुए अपने सामने बैठे उस अखबार वाले आदमी से पूछता है, भाई साहब आप शायद यहाँ पर नए हो? अखबार वाला आदमी उत्तर देता है, हाँ कुछ काम से आया था, बस यहाँ से गुजर ही रहा हूँ। कुछ मिनट और इधर उधर की बातें करने के बाद लाल कमीज वाला आदमी अखबार पढ़ रहे आदमी से कहता है, भाई साहब जरा चीनी पकड़ाएंगे? अपने पास पड़ी चीनी की कटोरी को उठाकर जैसे ही ये आदमी अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो लाल कमीज वाला आदमी उससे कहता है, टाइम आ गया है, अन्ना बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। ये दोनों आदमी जिस अन्ना की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि दक्षिण भारत के इतिहास का सबसे कुख्यात डकैत वीरप्पन है। अखबार पढ़ रहे इस आदमी का कोड नेम है मिस्टर बॉन्ड, लाल कमीज वाले का मिस्टर ब्लैक और ये दोनों ही वीरप्पन के लिए काम करते हैं। जहाँ मिस्टर बॉन्ड एक व्यापारी है और शहर में रहकर वीरप्पन के लिए काम करता है, वहीं मिस्टर ब्लैक हर क्षण जंगल में वीरप्पन के साथ रहकर। अन्ना आखिर है कहाँ? गुस्से में बिलबिलाते हुए मिस्टर बॉन्ड ब्लैक के ऊपर सवालों की बौछार कर डालता है, और मैंने जो आदमी भेजा था उसे अभी तक अन्ना से क्यों नहीं मिलाया? अरे भाई आप तो अन्ना को जानते ही हो, वो हर चीज को तीन तीन चार चार बार चेक करते हैं। मिस्टर बॉन्ड को शांत करने का प्रयास करते हुए ब्लैक आगे कहता है, अन्ना ने दूर से ही आपके आदमी पर नजर बनाई हुई थी और अब वो उस पर विश्वास करने लगे हैं। और अगर आपके बेकार सवाल खत्म हो गए हो तो अब काम की बात करें। अत्यंत सावधान मिस्टर ब्लैक अपने दाएं बाएं देखते हुए कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अन्ना 18 अक्टूबर को बाहर आएंगे और तुम्हारा वो आदमी पपरपट्टी पुलिस स्टेशन के बाहर वेट करेगा। अन्ना को गाड़ी में जंगल से बाहर निकालने का जिम्मा उसी को सौंपा गया है और गाड़ी का इंतजाम तुम्हें करना है। ये कहते ही मिस्टर ब्लैक अपनी जेब से एक लॉटरी का टिकट निकालता है जिसका नंबर था 007710। अपने चारों तरफ नजर फिराने के बाद मिस्टर ब्लैक बिल्कुल फिल्मी अंदाज में इस टिकट के दो टुकड़े करता है और एक टुकड़ा मिस्टर बॉन्ड को थमा देता है। यह अन्ना का ट्रेवल टिकट है, जब हमारा आदमी तुम्हारे आदमी से मिलेगा तो इन दोनों टुकड़ों के नंबर्स को मैच किया जाएगा जिसके बाद तुम्हारा आदमी गाड़ी में अन्ना को जंगल से बाहर निकालेगा। अपनी आवाज को थोड़ा और नीचे करते हुए ब्लैक आगे कहता है, बस इतना ध्यान रखना कि अन्ना के साथ 5 या 6 आदमी और होंगे, इसलिए थोड़ी बड़ी गाड़ी का इंतजाम करना। ये सुन मिस्टर बॉन्ड उत्तर देता है, मेरे ख्याल से एम्बुलेंस ठीक रहेगी, एम्बुलेंस में जगह भी काफी होती है और उसको बिना पुलिस की नजरों में आए तेज स्पीड पर दौड़ाया भी जा सकता है। हाँ हाँ ठीक है, अपना मतलब सर हाँ में हिलाते हुए मिस्टर ब्लैक कहता है, अपने आदमी से कहना कि बिल्कुल टाइम से लोकेशन पर पहुंच जाए, अन्ना टाइम के बहुत ज्यादा पाबंद है। इसके बाद ये दोनों आदमी अलग अलग कागज पर इस लॉटरी टिकट का नंबर लिखते हैं। ब्लैक अपनी चाय खत्म करता है और यहाँ से बिल्कुल वैसे ही गायब हो जाता है जैसे वो आया था। ब्लैक के जाने के बाद मिस्टर बॉन्ड एक और चाय ऑर्डर करता है, आराम से अपनी चाय पीता है और जैसे ही खड़ा हो अपनी गाड़ी की तरफ चलना शुरू करता है तो आसपास के पेड़ों और झाड़ियों के पीछे से एक एक कर कई लोग बाहर निकलने लगते हैं और एक सफेद रंग की मारुति ओमनी वैन में बैठ मिस्टर बॉन्ड की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद ये सफेद ओमनी वैन मिस्टर बॉन्ड की गाड़ी को ओवरटेक करती है और वैन में आगे वाली सीट पर बैठा एक आदमी मिस्टर बॉन्ड को गाड़ी साइड लगाने का इशारा करने लगता है जिसके बाद ये दोनों गाड़ियां रुक जाती हैं। सफेद ओमनी वैन से सादे कपड़े पहने एक आदमी नीचे उतरता है और मिस्टर बॉन्ड की गाड़ी के पास जाकर उससे पूछता है, तो मिस्टर बॉन्ड मीटिंग कैसी रही? असल में ये सफेद रंग की मारुति ओमनी वैन एसटीएफ की अंडरकवर गाड़ी थी और इसके अंदर बैठे सभी लोग एसटीएफ के ऑफिसर्स। जो व्यक्ति वैन से नीचे उतर मिस्टर बॉन्ड से बात करने गया था वो कोई और नहीं बल्कि एसटीएफ के सेकंड इन कमांड एसपी कनन है और वीरप्पन का ये बहुत पुराना और अत्यंत विश्वसनीय गैंग मेंबर मिस्टर बॉन्ड एसपी कनन का खबरी है। कुछ महीनों से एसपी कनन के लिए खबरी का काम कर रहा मिस्टर बॉन्ड ब्लैक के साथ हुई अपनी इस मीटिंग की सारी डिटेल्स उनको बता देता है।
मतलब वीरप्पन के आदमी को इन्होंने फोड़ दिया। एसटीएफ के चीफ कमिश्नर विजय कुमार ने एक दिन पहले इस लोकेशन की रेकी की थी और अपने हैंडीकैम से स्कूल के बाहर से गुजर रही सड़क का वीडियो भी बनाया था। वीरप्पन की एम्बुलेंस इसी सड़क से पास होने वाली थी। उनको पता था कि यदि मिस्टर बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन सटीक है तो वीरप्पन की एम्बुलेंस 18 अक्टूबर की रात को इस स्कूल के बाहर से निकलेगी ही निकलेगी। वीरप्पन को पकड़ने वाले इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन ककून। ककून वीरप्पन को ले जाने वाली एम्बुलेंस का कोड नेम था। अक्टूबर की इस रात एसटीएफ के 6 कमांडोज स्कूल की छत पर रेडी टू फायर मोड में अपनी अपनी पोजीशंस ले चुके थे। स्कूल के बाहर खड़े गन्नों के ट्रक स्वीट बॉक्स का काम वीरप्पन की एम्बुलेंस को ब्लॉक करना था। इस ट्रक के सामने खड़ी मोबाइल बंकर लॉरी में एसटीएफ के कमांडोज इंस्पेक्टर चार्ल्स के साथ छिपे हुए थे। इंस्पेक्टर चार्ल्स को ऑपरेशन ककून के लॉजिस्टिक्स का जिम्मा सौंपा गया था। डीएसपी तिरु के नेतृत्व में ओमनी वैन के अंदर बैठी एक एसटीएफ टीम को स्कूल से 3 किलोमीटर दूर तैनात किया गया था। इस टीम का काम एम्बुलेंस को स्पॉट करते ही उसके पीछे लगना था, जिससे कि दूसरी गाड़ियों को एम्बुलेंस से दूर रखा जा सके। यदि सब कुछ प्लान के अनुसार होता है तो ठीक स्कूल के सामने एसटीएफ उस एम्बुलेंस को चारों तरफ से ट्रैप करने वाली थी। विजय कुमार के इस प्लान के अनुसार लगभग 1 घंटे बाद स्वीट बॉक्स, मोबाइल बंकर, डीएसपी तिरु और स्कूल की बिल्डिंग के बीच वीरप्पन की एम्बुलेंस को ट्रैप किया जाना था। एसटीएफ के एक और डीएसपी को अपनी टीम के साथ इस स्कूल के पूर्व में धर्मापुरी के पास तैनात किया गया था। इस डीएसपी का काम सारे इनकमिंग ट्रैफिक को पूरी तरह रोकना था। कमिश्नर विजय कुमार नहीं चाहते थे कि इस ऑपरेशन में किसी भी मासूम सिविलियन की जान जाए। उधर पपरपट्टी पुलिस स्टेशन के पास बने एक छोटे से ढाबे पर रोज की तरह आज की रात भी ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। एसटीएफ के ऑफिसर कुमारेशन इस ढाबे पर आते हैं और अपने लिए एक मसाला डोसा ऑर्डर कर देते हैं। सड़क पर नजरें गड़ाए कुमारेशन अभी अपना डोसा खाना शुरू ही करते हैं कि तभी वो एम्बुलेंस वहां से गुजरती है। कुमारेशन नोटिस करते हैं कि एम्बुलेंस के ऊपर लगी नीली लाइट्स घूम रही हैं और इसकी फॉग लाइट्स भी ऑन है। ये दोनों ही कोई रैंडम चीजें नहीं बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो इस एम्बुलेंस का ड्राइवर कुमारेशन को दे रहा था। ये ड्राइवर, जिसका नाम था सर्वानंद, मिस्टर बॉन्ड का आदमी था और एसटीएफ का अंडरकवर एजेंट भी। नीली लाइट जलने का मतलब था कि वीरप्पन अपने पूरे गैंग के साथ एम्बुलेंस के अंदर बैठा हुआ है और फॉग लाइट्स ऑन होने का मतलब था कि अंदर बैठे सभी लोग हथियारों से लैस हैं। स्कूल के बाहर खड़े खड़े अपने नाखून चबा रहे एसपी कनन का सेल फोन बजने लगता है। वो फोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, तपाल अनुपी अच्छू। इस छोटे से मैसेज में कुमारेशन कनन से कह रहे थे कि चिट्ठी निकल चुकी है। ये सुनते ही विजय कुमार की तरफ थम्स अप का इशारा करते हुए कनन कहते हैं, ककून को पहुँचने में 10 मिनट लगेंगे। ककून का इंतजार करते करते विजय कुमार और कनन के साथ भी वही होने लगता है जैसा कि इस प्रकार की हाईली टेंस सिचुएशंस में अक्सर हुआ करता है। इन दोनों आईपीएस ऑफिसर्स के लिए समय मानो रुक सा जाता है। उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं उसने बीच में ही एम्बुलेंस को किसी और तरफ तो नहीं मोड़ लिया? कहीं उसने एंड टाइम पर अपना प्लान तो चेंज नहीं कर दिया? कमिश्नर विजय कुमार के दिमाग में ऐसे कई सवाल एक साथ उमड़ने लगते हैं कि तभी दूर सड़क से एक आवाज आने लगती है लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ता। विजय कुमार और कनन समेत एसटीएफ के सभी ऑफिसर्स कवर ले लेते हैं और स्कूल की छत पर तैनात कमांडोज अपनी AK-47 राइफल्स को कॉक करना शुरू कर देते हैं कि तभी अंधेरे को चीरती एक मोटरसाइकिल सड़क पर प्रकट होती है। इस मोटरसाइकिल पर एक आदमी और औरत सवार थे जो जोर जोर से एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। धीमी गति पर चल रही ये मोटरसाइकिल देखते ही देखते एसटीएफ की आंखों से ओझल हो जाती है और विजय कुमार की सांस में सांस वापस आने लगती है। कुछ मिनट बाद एसपी कनन मोबाइल बंकर के पास जाते हैं जिसके अंदर बैठे इंस्पेक्टर चार्ल्स अपने आधुनिक गैजेट्स की सहायता से एम्बुलेंस को मॉनिटर करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लॉरी के पास पहुंचने से पहले ही कनन वापस विजय कुमार की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसे भागता देख विजय कुमार समझ जाते हैं कि कनन ने एम्बुलेंस को स्पॉट कर लिया है। इस क्षण में विजय कुमार देखते हैं कि अंधेरे को चीरती नीली लाइट्स उनकी तरफ बढ़ रही हैं और इसके अगले क्षण उनके आसपास की दुनिया अल्ट्रा स्लो मोशन में बदल जाती है। वो कनन की तरफ देख अपना सर हां में हिला देते हैं। कनन टीम को इशारा करने के लिए अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाने लगते हैं। कुछ सेकंड पहले तक चल रही ठंडी हवा पूरी तरह गायब हो जाती है और झींगुरों के अलावा दूसरी सभी आवाजें भी।
जैसे ही एम्बुलेंस को चला रहे सर्वानंद की नजर लॉरी के पास लगाए गए ट्रैफिक कोन्स पर पड़ती है तो वो अपनी पूरी ताकत से ब्रेक्स दबा देता है। सड़क पर घिसट रहे एम्बुलेंस के टायर से निकलती आवाज सन्नाटे को चीर डालती है। पीछे बैठे वीरप्पन और उसके साथी झटका खा आगे की तरफ एक दूसरे पर गिरने लगते हैं और ये एम्बुलेंस स्कूल के बाहर ठीक उसी स्पॉट पर आकर रुक जाती है जहां एसटीएफ चाहती थी। एम्बुलेंस के पीछे आ रहे डीएसपी तुरी अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करते हैं और उनके साथ बैठे चार ऑफिसर्स अपनी राइफल्स एम्बुलेंस के दरवाजे पर तान देते हैं। समय के इस पॉइंट पर यहां मौजूद एसटीएफ के हर ऑफिसर की आंखें उस रुकी हुई एम्बुलेंस पर गड़ जाती हैं और उंगलियां अपने अपने ट्रिगर्स पर। लेकिन इस सारी अफरा तफरी के चलते सर्वानंद एम्बुलेंस की लाइट्स ऑफ करना भूल जाता है। एसटीएफ अभी उससे सिग्नल मिलने का इंतजार कर ही रही होती है कि तभी वो एक और आदमी के साथ एम्बुलेंस से नीचे कूदता है और गैंग अंदर है चिल्लाते हुए दौड़ना शुरू कर देता है। सर्वानंद सीधा विजय कुमार के पास जाकर रुकता है जो उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे फटाफट शाबाशी देते हैं, जिसके बाद एक दूसरा ऑफिसर उसको एक बड़े से पेड़ के पीछे ले जाकर छिपा देता है। कुछ और क्षण इंतजार करने के बाद विजय कुमार सर्वानंद की तरफ कुछ इशारा करते हैं और वो एक लाउडस्पीकर उठाकर वीरप्पन को चेतावनी देना शुरू कर देता है। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, तुम्हारे पास सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस चेतावनी के बाद भी कई और क्षण ऐसे ही बीत जाते हैं। एसटीएफ अभी भी किसी के एम्बुलेंस से बाहर निकलने का इंतजार कर ही रही होती है कि तभी अचानक एम्बुलेंस के पिछले शीशे को चीरती हुई AK-47 की कई गोलियां एक के बाद एक बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। वीरप्पन और उसके गैंग ने अपना निर्णय सुना दिया था जो था नो सरेंडर। एम्बुलेंस से गोलियां चलते ही विजय कुमार अपना पूरा जोर लगाकर चिल्लाते हैं फायर। एसटीएफ का हर एक ऑफिसर और कमांडो पांच दिशाओं से इस एम्बुलेंस के ऊपर लोहा बरसाना शुरू कर देता है। 2-3 मिनट तक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के बाद एम्बुलेंस के नीचे एक और स्टन ग्रेनेड फेंका जाता है। ग्रेनेड का धुआं छटते ही एसटीएफ के दो ऑफिसर्स राजा रमन और हुसैन बहुत ही सावधानी से एम्बुलेंस के पीछे जाते हैं। ऑफिसर हुसैन अपनी राइफल को रेडी टू फायर पोजिशन में दरवाजे की तरफ तान देते हैं और उनका इशारा मिलते ही राजा रमन एक झटके में दरवाजे को खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही हवा पास होने की आवाज आती है और फिर एकदम से सन्नाटा सा छा जाता है। एसटीएफ के सभी ऑफिसर्स अपनी सांसें रोके ये दृश्य देख रहे होते हैं कि तभी उनके कानों में वो आवाज पड़ती है जिसे सुनने के लिए वो तरस रहे थे। ऑल क्लियर। अपना हाथ हवा में लहराते हुए राजा रमन जोर से चिल्लाते हैं और कमिश्नर विजय कुमार तुरंत दौड़कर एम्बुलेंस के पास पहुंच जाते हैं। अपने जीवन में आज पहली बार विजय कुमार वीरप्पन को अपने सामने देख रहे थे। वो डकैत, वो तस्कर जो ना जाने उनके कितने साथियों को मार चुका था, जो पिछले 2 दशकों से तमिलनाडु पुलिस को अपने पीछे नचा रहा था, आज उस वीरप्पन का प्राणों से विहीन शरीर विजय कुमार के सामने पड़ा हुआ था। वीरप्पन और उसके साथियों को ओमनी वैन में तुरंत सबसे नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर्स वीरप्पन और उसके तीनों साथियों को मृत घोषित कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है। हॉस्पिटल के बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगती है और चारों तरफ सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा होता है, एसटीएफ जिंदाबाद, एसटीएफ जिंदाबाद। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी सुनाई भाई ने। मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छा कोई इस स्टोरी को सुना सकता था। और इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि इनके वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। बात करते हैं वीरप्पन पे। एक टाइम ऐसा आ चुका था वीरप्पन के बारे में कहते थे कि उसको पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और जितने भी अंदर पुलिस वाले उस जंगल में जाते थे उसको पकड़ने के लिए, उनको वापस आना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। एक तो लोकल पूरे उसके साइड में हो गए थे क्योंकि जितने भी लोकल एरियाज थे उन लोगों को बहुत हेल्प करता था वीरप्पन। भले वो दुनिया के लिए एक डकैत था, एक तस्कर था और उसने कम से कम 200 लोगों को मारा था। कई पुलिस ऑफिसर्स थे, कई फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी थे और बहुत बड़े फिल्म स्टार का उसने अपहरण भी कर लिया था कर्नाटक के। उसके वजह से एक बात हुई थी कि किसी को भी कोई उस एरिया में ज़रूरत होती थी पैसे की या फिर किसी भी चीज़ की, तब वो उनको हेल्प करता था लोगों को, जो गरीब लोगों को। इसके लिए इसकी वजह से
वो उस एरिया के जो गरीब लोग थे वो उसके साइड पे थे और उसको इन्फॉर्मेशन देते थे। पर आप एक बात समझ लीजिए कि आप चाहे किसी को कितनी भी हेल्प करिए, कुछ भी हो जाए, पर कोई ना कोई तो नाराज़ होता ही है आपसे। वैसे कुछ इनके साथ हुआ, उनके साथ ही फूट गए और पुलिस के खबरी बन गए। फिर भी पुलिस ने इस तरीके से ऑपरेशन किया ये। उस वक्त तक किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वीरप्पन को पकड़ा जा सकता है, या फिर उसके जो 30-35 साल के जो क्राइम कर रहा था वो, उस जंगल का एक चप्पा चप्पा उसको पता था। और जितने भी पुलिस वाले या वो फॉरेस्ट वाले हो, उनमें ऐसी दहशत थी वीरप्पन की कि आप मतलब इस वक्त आप स्टोरी सुन के भी आप इतने मतलब रोमांचित हो रहे थे उस बातों को सुन के। पर जिस वक्त ये ऑपरेशन हो रहा होगा, उन पुलिस ऑफिसर्स का, उन पुलिस जवानों का मन में क्या चल रहा होगा आप महसूस कर सकते हैं। पर जब वीरप्पन के सुबह सुबह खबर आई थी वो, और एक्चुअली मैं भी टीवी पे देख रहा था, मैं छोटा था उस वक्त, पर हाँ वीरप्पन की खबर टीवी पे चल रही थी। उसके पहले वीरप्पन ने जो कर्नाटक के एक सुपरस्टार थे, उसकी वजह से वीरप्पन बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था, क्योंकि उन्होंने जो सुपरस्टार थे उनको बहुत दिनों तक अपने पास रखा था किडनैप करके। उस वजह से वो इतने पूरे इंडिया में फेमस हो चुका था। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु की पुलिस परेशान हो चुकी थी। और जब ये ऑपरेशन हुआ, उस वक्त जब डायरेक्ट जयललिता को फ़ोन किया गया था, उस वक्त सीएम थी जयललिता तमिलनाडु की, और उतने रात को मतलब आई थिंक 2 या 2:30 बजे उनको फ़ोन किया गया था इन्फॉर्म करने के लिए कि वीरप्पन को ख़त्म कर दिया गया है। मतलब इस लेवल पे ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा था और बहुत ही सीक्रेट रखा गया था इस ऑपरेशन को। तो जब वीरप्पन के बारे में एक बात कहा जाता है कि वो किसी के लिए दुश्मन था, किसी के लिए हीरो था, किसी के लिए रॉबिन हुड था, भाई ने जैसे बताया। पर एक ख़ास बात है कि उसने जिन लोगों को भी मारा, वो एक तो ऑन ड्यूटी थे, इसमें से ऐसे कई लोग थे, इसमें इतने जंगल के एनिमल्स थे, उन कम से कम 500 हाथी को भी मारा था उसने, और ना जाने कितने टन उसने चंदन की तस्करी की थी बाहर देशों में। तो मतलब 2-3 स्टेट के गवर्नमेंट को भी उसने पूरा परेशान, ज़्यादातर कर्नाटक और तमिलनाडु के गवर्नमेंट को उसने बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ था। और वो मतलब चैलेंज करके इसके पहले भी बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च हुए थे उसके अगेंस्ट, पर हर ऑपरेशन को जैसे चैलेंज करके पुलिस के नाक के नीचे से चला जाता था। पर यह पुलिस के पास लास्ट चांस जैसा था, वो चांस भी इसलिए था कि उसके आँखों में इन्फेक्शन हुआ था वीरप्पन के, इस वजह से उसको किसी भी हालत में बाहर निकल नहीं था। और उसके पहले जो एक ऑपरेशन हुआ था, उसकी एक छोटी सी बच्ची थी 1 साल की या 1.5 साल की, वो रो रही थी जब उस वक्त वो पुलिस की जो भी अम्बुश लगाया था पुलिस ने उसके खिलाफ, उससे उस वक्त अपनी इतनी छोटी सी बच्ची का गला घोट के उसने मार डाला था उस बच्ची को, क्योंकि उसकी रोने की आवाज़ सुन के पुलिस को इन्फॉर्म ना हो जाए। तो इस लेवल की उसकी मेंटेलिटी थी कि इतने छोटे बच्चे को भी वो मार सकता था। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके उतना शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर फॉलो करना ना भूलिए। जय।